राजधानी दिल्ली के वसंत विहार के चिन्मय स्कूल में मंगलवार को छठी क्लास के 12 वर्षीय एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। देखिए, दो दिन पहले वसंत विहार के पास में एक स्कूल में एक बच्चे की एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि कैसे स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर ऐसा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ कि बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हमने एक शिक्षा विभाग की तरफ से इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करी है कि अगर स्कूल की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई है तो स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ये भी बहुत चिंता का मुद्दा है कि आज के दिन में दिल्ली शहर में हिंसा का, क्राइम का, लड़ाई झगड़े का ऐसा माहौल हो गया है कि उस माहौल का असर अब हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हम एक पूरी इंक्वायरी करेंगे कि अगर स्कूल की गलती है, स्कूल की केयरलेसनेस है, या अगर उसके बाद अस्पताल ले जाने में देरी हुई है, तो जिसकी भी गलती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नेशन मिरर के लिए दिल्ली से शिवम पांडे की रिपोर्ट।